बापू भवन, सम्राट अशोक का कन्वेंशन हॉल, पटना बिहार। बाल विवाह और दहेज प्रथा बिहार की बहुत बड़ी समस्या है और पूरे भारत में बाल विवाह में और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं के क्षेत्र में बिहार का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। और आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बापू भवन, सम्राट अशोक का कन्वेंशन हॉल में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु राजव्यापी अभियान का शुभारंभ उन्होंने कर दिया और यह बहुत ही खुशी की बात है। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे बिहार ही नहीं दुनिया भर की लड़कियों के लिए और विशेष रूप से बिहार की लड़कियों के लिए, गरीब घर की लड़कियां जो कि दहेज धन नहीं होने के कारण कुंवारी रह जाती हैं और हाथों में मेहंदी लगने का ख्वाब और घर में शहनाई बजने का सपना अधूरा ही रह जाता है और समाज में अपनी सहेलियों द्वारा और महिला समाज के द्वारा अपमान महसूस करती हैं, घुट घुट कर जीती हैं। उन सभी के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि उन्हें अब दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसे दानव से बिहार राज्य को मुक्ति मिलेगी और इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर श्री नीतीश कुमार जी का साथ देना है। ठाकुर जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है पूरे बिहार के लिए कि दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसा जो दानव है वो बिहार छोड़कर भागेगा और लड़कियों के जीवन में फिर से खुशहाली आएगी और जो लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ाई की उम्र में जिसकी शादियां हो जाती हैं लड़की और लड़कियों की, वो भी पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस मिस्टर बनने का उनका भी सपना पूरा होगा और उनके घर में भी शहनाई बजेगी और उनके हाथों भी मेहंदी लगेगी। बिहार सरकार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, देखने में, सुनने में, समझने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो समाज की दुनिया है, जो व्यवहार की दुनिया है, उस पर अमल कितना हो पाएगा ये तो भविष्य के, ये तो भविष्य बताएगा। इसलिए अगर सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई का खात्मा होना चाहिए, ये बात सही है। और सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहा है, सरकारी स्तर के सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा दहेज का बढ़ावा और जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, आज अखबार में निकला हुआ था आईएएस का रेट, आईपीएस का रेट, क्लर्क का रेट, प्रोबेशनरी अफसर का रेट। तो इस तरह से जो भी सरकार के लोग हैं दहेज बढ़ाने में सरकारी महकमे के लोग ही ज़्यादा, बड़े बड़े पदाधिकारी जो उच्च पदाधिकारी हैं उन लोगों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। आज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की जो दहेज की बात होती है, कौन 1 करोड़ देता है, कौन 50 लाख देता है। इसलिए बिहार सरकार को एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि उनके जो पदाधिकारी हैं, क्या अपने बाल बच्चों का दहेज मुक्त में शादी करने के लिए तैयार हैं। और सरकार का ध्यान शायद वैसी बच्चियों के प्रति नहीं गया, जो बच्चियाँ का अरमान जो है दबे हुए रह जाते हैं, हाथों में मेहंदी नहीं लग पाती है, उनके घरों में शहनाई नहीं बज पाती है गरीबी के कारण। करोड़ों बच्चियां, बिहार ही नहीं पूरे देश की करोड़ों बच्चियां जो है अपनी संभावना को संजोए हुए ही दुनिया से चली जाती है, सपनों को पूरा करने के लिए जो कठिनाई है, तो सामाजिक बुराई है। समाज का काम सामाजिक स्तर पर ही हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे अगर कोई चाहेगा कि बाल विवाह और दहेज ख़त्म हो जाएगा, मेरी समझ से परे की बात है। और एक चीज़ और है ना, कानून बनने से तो कुछ हो नहीं रहा, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन उसी में है। जो कानून की बात करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा समाज में वही लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हैं? तो सभी को जो है इसमें एकजुट होकर सहयोग करना पड़ेगा। तो सवाल है कि और कानून बना देने से कितना भी करोड़, संविधान में तो सारी बातें लिखी हुई है, भारत के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, क्या कोई बात छूटा हुआ है? लेकिन कहाँ हो रहा, संविधान के नियमों, उपनियमों, अधिनियमों का कहाँ पालन हो रहा है? इसलिए हमारा कहना है
कि समाज जब तक नहीं चाहेगा तब तक न तो बाल विवाह खत्म होगा न तो दहेज प्रथा खत्म होगी। इसके लिए एकजुटता की भी आवश्यकता है, एकजुटता की भी आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर अब बहुत सारे लड़कियों की शादी नहीं हुई, आज बहुत सारे कास्ट परिवार में यूनिटी नहीं होने के कारण बहुत सारी लड़कियां कुंवारी हैं सभी परिवार में। और रही बात की बेमेल शादियां हो रही, बहुत सारे परिवार देख रहे हैं कि विदुर से शादी हो रही है। बिल्कुल, बताइए जरा, विदुर से एक कुंवारी लड़की का शादी होना चाहिए सरकार को अगर। और एक बात और, बहुत सारे विवाह के गिरोह जो नकली दूल्हा होते हैं वो बहुत सारी गरीब परिवार की लड़कियों को फंसा कर उसका मानव तस्करी करते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं शादी के बाद। जहाँ तक एनजीओ का मामला है, बहुत सारे एनजीओ जो है जिस तरह से प्रचार प्रसार ये लोग कहे हैं एनजीओ के माध्यम से, बहुत सारे देश में जो एनजीओ हैं वो ब्लैक लिस्टेड होने वाले हैं, बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड हो गए। और इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि इस करोड़ों बच्चे बच्चियों का शादी विवाह और समाज में इसका खराब असर पड़ जाए। अब बहुत सारी लड़कियां दहेज प्रथा का सुसाइड भी कर रही हैं। बिल्कुल 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 सुसाइड कर रही हैं, समाज कोई उसको मदद नहीं करता है। समाज की जो बच्चियां हैं, समाज खामोश रहता है। समाज की जो बच्चियां हैं वो समाज की है, किसी भी बच्ची से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। लड़कियां समाज और गांव की इज्जत है। बिल्कुल, यह भाव खत्म हो गया। और एक तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां तक मेरी समझदारी है, जो तमाम बेटी वाले लोग हैं जिनकी बच्चियां हैं वो कहीं न कहीं इस तरह से जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है बच्चियों के बारे में, समाज की इज्जत है, बच्चियाँ बेटियाँ हमारी इज्जत हैं, और इस तरह से सार्वजनिक रूप से जिस तरह से कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रचार प्रसार हो रहा है, ये भारतीय और सभ्यता और संस्कृति के विपरीत, मेरी समझ से विपरीत बात है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो बात है उसके अनुकूल कार्यक्रम होना चाहिए। और सरकार इस तरह के मामलों में सरकार का दखलंदाजी कितना दूर तक सफल होगा, हालांकि भाषण तो बहुत अच्छा होता है, सुनने में बड़ी अच्छा लगता है, जब हम कार्यक्रम देखते हैं जब तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, गिटार बजता है, गाना सुनता है, तो जितना दर्शक होता है सबको लगता है कि हम तबला बजा रहे हैं, हम बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन जब कोई पीड़िता रोती है तब कोई उसकी आवाज़ सुन के उसके घर में नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डरता है, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उसको कानून मदद नहीं करता, पुलिस मदद नहीं करती। इसलिए सरकार को से मेरा निवेदन है, बिहार सरकार से और साथ ही भारत सरकार से, कि जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है उसका भी एक निर्णय हो, लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चियों का उम्र ख़त्म हो रहा है और बच्चियां जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं, उन बच्चियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। नहीं तो विशेष रूप से गरीब परिवार की जो बेटियाँ हैं उसके लिए काम है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। और सरकारी स्तर से जो प्रयास है सरकार इसमें, वैसे तो भाई बहुत सारे माथे वाले लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, समाज शास्त्री लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारे खोपड़ी और लगाया है। माउंटेनियर जैसा छोटा व्यक्ति क्या इसमें बोल सकता है? ठाकुर जी, माउंटेनियर जो है संतोष यादव, उन्होंने दहेज में कुछ नहीं दिया, आदर्श विवाह हुआ, केवल एक नारियल और एक साड़ी जो होता है शादी के, बस वही पहन के शादी हुई। पति और पत्नी, देखिए कहा गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से पति और पत्नी का जो संबंध होता है बहुत पवित्र होता है और बहुत अटूट होता है, और सात फेरे लेकर के अग्नि के सामने पति पत्नी बंधन में बंधते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में क्या हम लोग सात फेरे अग्नि के सामने लेने के बाद हम लोग निभा रहे हैं? नहीं निभाते हैं। ऐसा क्यों? उस पर भी सरकार, क्योंकि ऐसी शिक्षा नहीं दी गई ना, माता पिता उन्हें शिक्षा नहीं देते बेटों को, और केवल जबरदस्ती समाज को कानून के डंडे से और सरकार के जबरदस्ती कानून बनाने से इस समस्या का समाधान किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। ऐसे सरकार का प्रयास है, ठीक है, अच्छा प्रयास, सराहनीय प्रयास। हाँ में हाँ मिलाने का समय है, हाँ में हाँ मिलाना चाहिए सभी लोगों को तो। लेकिन जो सामाजिक जो व्यक्ति होता है, आज कोई भी व्यक्ति, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चुनौतीपूर्वक शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, है कोई माई का लाल जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है जो किसी एक बच्ची की शादी योग्य वर से करा दे आज के संदर्भ में जमाने के हिसाब से? कोई आईएएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई नेता एमएलए एमपी मिनिस्टर? बिल्कुल कोई नहीं करवाया है। इसलिए एक कार्यक्रम करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पब्लिसिटी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन में क्या होगा ये तो भगवान जाने। वैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बड़े बड़े स्टेज पर भाषण करते हैं और
ये है वो है, अच्छा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सामाजिक क्रांति हो जाएगी, दहेज अब खत्म हो जाएगा, बाल विवाह रुक जाएगा। तो खैर हम लोग व्यवहारिकता के, लेकिन बहुत अच्छा, ये ऐतिहासिक दिन है, दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा यह, अगर ये इसमें अगर लोग ईमानदारी से IAS ऑफिसर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदारी से काम करे और सामाजिक कार्यकर्ता NGO, तो हमारा बिहार पूर्णतः दहेज मुक्त बिहार बनेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। दहेज विरोधी बात करने वाले लोग चाहे NGO की हो चाहे कोई हो, ये पता लगाना चाहिए कि सही माने में वो कितना प्रतिशत दहेज के विरोधी है। अभी एक बताऊँ, एक एग्जाम्पल है मेरे पास, वो क्या कहते हैं कंकड़बाग LIC कॉलोनी का ही घटना है। वो व्यक्ति गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग पटना में रोज नारा लगाता था, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। उन्होंने अपने क्लर्क बेटे की शादी 4 लाख रुपए लेके खर्च की, अब बारातियों को जो है भूखे रहना पड़ा, और कोई कोई तो केवल भूखे चावल अच्छी सूखा चावल खाया बारात में, बताइए जरा। जो नारा लगाता था कि अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, उन्होंने अपने बेटे की शादी 4 लाख रुपये। समाज की बेटियों की चिंता आपको है, ये अच्छी बात है, लेकिन समाज की बेटी का उद्धार कैसे होगा? समाज की बेटी का को आगे आने वाले समय में अच्छा सुयोग्य वर कैसे मिलेगा? सरकार तो हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार के लोग इसमें सक्षम हों। सबसे पहले सामाजिक की चिंता है, समाज के लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल, सरकार भी कुछ मदद करेगी और युवाओं को इसके लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, इसके लिए युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबको समाज में जागृत। हाँ, यहाँ जो है बहुत अच्छा, ये पोस्टर वगैरह भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। ठाकुर जी देखिए, ठाकुर जी पोस्टर भी बहुत अच्छा दिखाया गया है। लड़कियाँ, इसमें बताया गया इस पोस्टर में, मैंने अपने बाल विवाह का विरोध किया और आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, बाल विवाह नहीं हुआ तभी तो खुशी मना रही है। ये लड़की जो बोल रही है, क्या मैंने अपने घर में बाल विवाह रोका है? क्या अपने घर में, अब क्या अपने घरों में इसे नहीं रोक पाएंगे? यूनिसेफ भी इसे सपोर्ट की है, फाइनेंशियल सपोर्ट की है यूनिसेफ भी। अच्छा प्रयास है, प्रयास अच्छा है। इसमें सभी को सहयोग देना, सभी के सहयोग से ये सफल साकार होगा। हमारी लड़कियां हैं, लाखों लाख करोड़ों लड़कियां, भगवान करे उनको अच्छा वर मिले, उनको अच्छा घर मिले, और शंकर को पार्वती मिले, राम को सीता मिले, कृष्ण को रुक्मिणी मिले, और इसी तरह से पारिवारिक जीवन जो है बच्चियों का सुखमय रहे, इसी की कामना के साथ हम इस। लेकिन समाज के लोगों का, गरीबों के घर में भी सहनाइयाँ बजे, गरीबों के घर में भी बजे, न कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ उनके घर। सरकार कितना सक्षम होगी दहेज प्रथा को रोकने में? या तो हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी रहेंगे, सारा समाज देखेगा, कहीं ऐसा ना हो कि शराबबंदी वाला ही हस्त रिश्ता भी हो जाए कि आज शराबबंदी जो है, कहने के लिए तो कानूनी रूप से शराब बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, ऐसा सुनने में आया है अखबारों में। यह बात सही है, लेकिन ये दहेज प्रथा को रोकने में, बाल विवाह रोकने में सबसे पहली बात है कि जो NGO के ईमानदार स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, समाजसेवी हैं, उनको, और रही बात की पुलिस विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, उनको ईमानदार होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। बकरी अगर घास से दोस्ती कर लेगी, कहा गया बकरी को अगर घास दिखा दीजिएगा तो बिना चरे हुए छोड़ेगी, इसलिए दहेज की जो स्थिति है वो बकरी और घास वाला संबंध है। वैसा तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, कार्यक्रम से पूरे दुनिया में मैसेज जा रहा है कि बिहार आगे बढ़ गया, तरक्की हो गया, दहेज प्रथा खत्म हो गया, बाल विवाह खत्म हो गया, शराबबंदी खत्म हो, शराबबंद जो है चालू हो गया, पूरा खुशहाली हो गया। तो खैर, वो तो सिद्धांत की दुनिया, व्यवहार की दुनिया, और हम समझते हैं कि बिहार को सिद्धांत की दुनिया से हट करके व्यवहार की दुनिया में जाना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी लोगों को बधाई देते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और बच्चियों का भविष्य सुंदर हो, उनको अच्छा अच्छे घर में शादी हो, अच्छे घर अच्छा परिवार बसे, पति पत्नी का संबंध मधुर रहे, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। ठाकुर जी धन्यवाद, चला जाए।